सुबह के सीन्स देख लो हमारे घर के, वहाँ सोई है कौन, रीवा, और यहाँ कौन है, ये उसका बॉडी गार्ड है। हिलेगा नहीं, सोफे में से मैंने इसको उतार दिया, यहाँ पे बैठा था, मैंने इसको यहाँ से उतारा, यहाँ आके बैठा, मैंने इसको यहाँ से उतारा, चरणों में आके लेटा हुआ है, रहेगा उसके पास ही, हटेगा नहीं वहाँ से। क्यों भाई, ऐसा क्या बॉडी गार्ड गिरी कर रहा है? और एक और दिक्कत है, ये पहले मेरे साथ सोता था, अब ये मेरे साथ नहीं सोता है। तो सीन ऐसा है कि इस वाले रूम में मैं सोता हूँ, इस वाले रूम में आजकल मैं सोता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैसी है, अभी इसको ठीक करना है। और इस वाले रूम में नैमी, मम्मी और रिवा सोती है, और यहाँ पे नेट वेट लगा हुआ है बिकॉज मॉस्किटो है। तो ये मैक्स पहले मेरे साथ सोता था, मेरे बेड पे आके चढ़ के सोएगा मेरे साथ, आजकल मेरे साथ नहीं सोता भाई, ये हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, बेवफा हो चुका है। अब ये जाके उस रूम में सोता है जहाँ रिवा सोती है, अब बेड पे तो चढ़ नहीं सकता, तो नीचे सोता है, लेकिन वहीं सोता है, मेरे साथ नहीं सोता है। और ये देखो ना, सोने का तरीका तो देख लो इसका, उठ के देख लेता है क्या चल रहा है, फिर खराटे लेके सोने लगता है। जैसे वो रोएगी उठेगा, देखेगा एक राउंड, थोड़ा बेड के आसपास सुन लेगा, इसको हालचाल ले लेगा, फिर जाके एक सेकंड मतलब लगता होगा इसको, दोबारा खराटे लेके सोने लगता है। जा मैक्स, क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, आज इसकी तबीयत पता नहीं कैसी है, मतलब गर्मी के दिन आ गए तो खाना नहीं खा रहा था, कोई इसको चिकन था, सारा चिकन उठा के खा गया है और कटोरा ऐसे ही छोड़ दिया। जिसकी तबीयत खराब होती है ना, वो कुछ भी नहीं खाता, चिकन भी नहीं खाता, इसने चिकन निकाल लिया, सिर्फ चावल छोड़ दिया, ड्रामे पे आ जाइए, बहुत चलाक है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 26 मार्च और सुबह के बज रहे हैं 11। हमारे घर में मॉर्निंग सीन ऐसा ही चल रहा है फिलहाल, अभी दिन की शुरुआत हुई है, मेरी दिन की शुरुआत सुबह ही हो जाती है, मैक्स को घुमाने जाता हूँ 8:30, 9:30 एंड बस ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, हमारा पूरा दिन इसी के आगे पीछे रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गया है बस। और अभी कौन आया, दूध हमारे घर में बेचारा सोच रहा है ये कौन सा ऐसा जेल बन गया जिसमें मैं नहीं जा सकता, नहीं तो क्या था, ओकेजनली तो चढ़ ही जाता था, अब बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहा है ये। यार पर किसी दिन पता चला उधर है, ऐसे ऐसे करके चेक कर ले क्या है ये चीज, बेटा तेरे चेक करने में फट जाएगा वो, ठीक है चेक मत करना। बाबू बाबू डिसअपॉइंटेड नहीं होना, ठीक है लाइफ में डिसअपॉइंटेड मत होना, हम होने के लिए उसके लिए हम हैं यहाँ पे, डिसअपॉइंटेड होने के लिए तू मत हो। कर दो, होता भी है ऊपर, ये इन्होंने कुछ दे तो रखा है, हाँ होता तो है, ये तो कुछ जुगाड़ है। ना ना मेरा बच्चा देखो रो रही है, तो कैसे उसी को देखना है। ये देखो इन बाप बेटी को, इनको किसी और की जरूरत है ही नहीं, मस्त दोनों सो रहे हैं। सुनो सुनो, ये आपने इसको इधर कॉर्नर में सुलाया हुआ, ध्यान से कहीं गिर ना जाए। ब्रिज बना, हाँ ब्रिज बना दो, वो भी देखो कितने मस्त आराम से सो भी गई है, ये जगी है थोड़ी थोड़ी। मुझे पक्का पता है अविनाश आप बेस्ट फादर प्रूफ हो गए और बेस्ट हस्बैंड भी, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ तो ये इसको बिल्कुल हैंडल कर लेते हैं, अपने पास सुला भी लेते हैं, बाउल और स्पून से दूध भी पिला लेते हैं, इसको डाइपर भी चेंज कर लेते हैं, पॉटी भी साफ कर लेते हैं। पहले पॉटी की, बच्चों की पॉटी को बोलते थे आई है इतनी स्मेल वाली होती है, अब अपने बच्चे की कर रहे हैं। ना मैक्स ही कर सकता हूँ तो इसकी क्यों नहीं। हाँ ऑब्वियसली। आपको टेबल के बीच में कोई दिख रहा है बैठा हुआ? ये अभी खराटे ले रहा था और मैंने मम्मी को बोला कि चलो तैयार हो जाओ, तो सनराइज कर लिया इसने अपना, चलना घूमने घूमने जा रहे हैं हम, चलो मम्मी तैयार हो जाओ। रीवा भी उठ रही है जाने के नाम से। हाँ रीवा भी उठ रही है जाने के नाम से, रीवा भी चले। मैक्स ना, हम जा रहे हैं मैक्स के बर्थडे की शॉपिंग करने, क्योंकि आज संडे है, फिर अविनाश को टाइम नहीं मिलेगा, 3 अप्रैल को मैक्स का बर्थडे है, तो हम मैक्स के बर्थडे की शॉपिंग करने जा रहे हैं। चलो सारे तैयार हो जाओ, चलो भाई चले। चलो अभी अविनाश अभी सो रहे हैं, उन्होंने बोला तुम लोग रेडी हो जाओ फिर मुझे उठाना, ये अब जाके उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा पूरी। चला देखो रो रही है वो, और ये यहाँ पहुँचा हुआ है। क्या हो गया रीवा, क्यों रो रहे हो, अभी चलेंगे। देखो ये बैठा है इसका रक्षक बैठा, देखो जरा कैसे जैसे पूरी रक्षा कर लेगा इसको, हम मारे
क्या हुआ? घूमने चलना है? पापा को लेके, पापा के पास जाओ, लेके पापा को उठाओ, फटाफट जाओ पापा को उठाओ। मुझे पूंछ हिला के मत दिखा, पापा के पास ले जाओ, जाओ जल्दी जाओ, पापा को उठा के, पापा सो रहे हैं, लेट हो जाएगा। भाग भाग भाग, भागा अविनाश को उठाने। चलो भाई उठो, उसके बर्थडे की शॉपिंग करने नहीं चलना है? वो बेचारा पता कितनी बारी आ चुका है आपको उठाने, अपना कॉलर ले लेके। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रीवा को मिल्क पिला रही थी उस टाइम। बाद में बोलो पापा, टुडे इज संडे, फिर टाइम नहीं है। पूछ देख लो बेचारे की, किसी बाहर वाले को भी तरस आ जाए उसके ऊपर। मैं रोज देखता हूँ। आया फिर, आया भी फिर, आ गया, अब आगे से लाएगा। हाँ पापा नहीं ले रहे, नहीं ले रहे पापा, पापा को दे दो, पापा को। जल्दी उठो यार, हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। उस बेचारे के ऊपर देखो पैर ऐसे रख दिया है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत वजन लग गया ऐसे, वो गिव अप कर दिया उसने। मैक्स पापा को किस कर दे फटाफट, अरे वो अपसेट हो गया यार। वॉक पे चलेगा? फिर बोलना, वॉक पे चलेगा? वॉक ये ना रीवा को ढूंढ रहा, मैंने रीवा को ना झूले में डाल दिए, इसको पता नहीं चल रहा बालकनी में होके आया, उधर बेड पे ऐसे झांक के देख के आया। कहाँ है छोटा बाबू? देखो कहाँ जा रहा है उसको देखने, यहाँ है वो। बुड़बक है क्या? इधर है, इधर ये रही। अरे उधर नहीं, देखो इसको रीवा ही नहीं दिख रही, उधर बेड पे देख रहा है। यहाँ है ये रही, इधर झूले में, इधर है ये। अरे गधे है ये रही। बस बस बस, खुशी देख लो, पूंछ ही मिल हिलने लगी। दूर से दूर से दूर से दूर से सूर्य देवता बिल्कुल सामने चमक रहे हैं। हाँ यार ये भी काफी करता है सही में। आप पीछे देखो ना, ये इसने तो ना जीवन बड़ा मुश्किल कर दिया है हमारा। अब शीशा खोल के दिया हुआ है तब भी इसको इतना डर लगता है ना, देखो कैसे एकदम अपने पिछाड़े टिका के बैठा हुआ है, पूरा नीचे नहीं बैठ रहा। इसको ये रहता ना उधर वाले में मम्मी बैठी है, अगर दोनों मिल गया तो ठीक है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, अगर एक वाला बिजी है तो फिर बीच में बैठ जाएगा और इंतजार करता रहेगा कि उधर देखने का मौका कब मिलेगा। और शीशा बंद कर दो तो हल्ला करेगा, शीशा खोल दो तो बीच में बैठेगा, आगे देखेगा। बैठ बंद कर दो इसका शीशा, करो जल्दी बंद, देखो देखो कैसे देख रहा है। बंद करो, बोल दे। तो शीशा बंद करने के लिए बात करी ना हमने, फट से बाहर देखने लग गया, बहुत चालाक है ये। ये तो सो ही रही है, अभी इसको कुछ नहीं पता चलता घूमने फिरने का। अभी तो कहीं ले जाओ, कुछ कर लो, बस दूध मिल जाए तो ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं वैसे, अभी जहाँ से हमें मैक्स का सामान लेना है, मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि वहाँ पे कोई और डॉग तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो मैं अविनाश को बोलूँगी उसको लेके आने के लिए। यहाँ से हम लेते हैं मैक्स का सामान। चलो 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 भैया, बंडाना दिखा दो। कहाँ पे बर्थडे वाला है? बर्थडे वाला है। ओए इतनी दूर से हम आए, बर्थडे वाला ही नहीं है। बर्थडे किट में ले पर इसके लिए। बर्थडे किट कौन सा? छोटा हो जाएगा इसके लिए। अच्छा फिर बो ले लूं? बो ले लूं? बो एक बारी मुझे इसके लिए बो दिखाना जो इसको आ जाएगी। देखो इस टाइप का ले लूं, कहाँ गए? या खाली बो? खाली बो ले, खाली बो है। इसको देखो जरा, पूरा मुंह गंदा कर रखा है इसने, ऐसे करता है। इधर आओ ना, ये क्लीन कराओ। अच्छी लग रही है ना ये चीज,
ये वाली चेन में नहीं है, इतनी मस्त। ये ऐसी चेन हम कब से ढूंढ भी रहे थे। देख लो वो, देख लो जो आपको ठीक लगे। मैक्स स्टे सिट सिट वही देख लो। ये कुछ ज्यादा फ्रेंडली है, सुपर फ्रेंडली है। तो रात के हो रहे 8:30, हम लोग घूम फिर के आ चुके हैं, बाहर ही कुछ खा पी के आए हैं क्योंकि बहुत टाइम से कहीं बाहर कुछ खाया नहीं था। तो ऑब्वियसली मतलब पूरे हफ्ते काम वाम करने के बाद एक दिन लगता है कि चलो घूम जाते हैं। तो मैक्स अब अर्जेंट में था तो उसके लिए जो जो चीज़ें लेनी थी वो ले लिए, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा पी लिया। अभी क्या है कि हम लोग आ गए हैं लेकिन अभी इसने फीडिंग करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग अभी पार्किंग में है। ये देखो बेसमेंट है, तो यहाँ पे इसकी फीडिंग चल रही। जब तक इसकी फीडिंग कंप्लीट नहीं होगी हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर इसकी फीडिंग बीच में छुड़ाई तो भाई साहब हल्ला मचा देगी और हम लिफ्ट में ऐसे लेके जाना नहीं चाहते, है ना। तो बस यही चल रहा है। तो फिलहाल थक गए हैं, घर जाके थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे, सो जाएंगे। वीडियो करते ही पे खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।